इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में बेजाब्तियों का मामला सामने आया, जबकि नैब लाहौर ने डॉक्टर उमर सैफ को यकुम अप्रैल को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद हसन रजा से। हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो साबिक वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ के मशीर और ITU यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर उमर सैफ को जो है नैब ने मुबैना बेजाबती और मुबैना तौर पर जो है खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में यकम अप्रैल को सुबह 11 बजे जो है तलब कर लिया है। डॉक्टर उमर सैफ पर इल्जाम, जराए का ये कहना है कि उन पर इल्जाम ये है कि गैर कानूनी तौर पर मनसंद अफराद को वहां मौतों पर तैनात किया गया और इसी तरह मुबैना तौर पर जो ITU के प्रोजेक्ट थे उसमें जो है सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है और उनके साथ ये भी इल्जाम है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब जो है उसकी तहकीकत भी शुरू कर दी गई है और महकमा हायर एजुकेशन की जानब से मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो नैब को भी फराम कर दिया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए नैब ने डॉक्टर उमर सैफ को 11 बजे तलब किया है। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।